खबरों की शुरुआत करते हैं स्कूलों द्वारा फीस वसूली से। कोरोना काल में पब्लिक स्कूलों ने फीस लेना शुरू कर दिया, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मैसेज, ईमेल, फोन से अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव डालने पर रोक लगा दी है, जो अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना दिया है और कहा कि अभिभावकों की शिकायत पर नियम के अनुसार कार्रवाई कर जाए। लॉकडाउन में लोगों के काम बंद हो गए हैं, सभी लोग घरों में कैद हैं, ऐसे में पब्लिक स्कूल लगातार अभिभावकों से फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि ट्यूशन फीस सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा लेने वाले छात्रों से ही ली जा सकती है। याचिका में कहा गया था कि प्राइवेट व सरकारी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं और UKG, LKG समेत कक्षा 5 तक के छात्रों से भी ऑनलाइन के नाम पर फीस ली जा रही है, जबकि उनको ऑनलाइन क्लासेस सही से दी ही नहीं जा रही हैं। याचिका में फीस को माफ करने की मांग की गई थी। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है, जिसके बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें अब फीस नहीं देनी पड़ेगी। खबर सरकार के कामकाज से जुड़ी हुई। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी निर्भर करती है, ऐसे में अनुमान के मुताबिक प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से अब तक कई हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने अब पर्यटन व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की आर्थिक मदद करने का फैसला लिया है। इसमें सबसे पहले साहसिक पर्यटन व्यवसाय करने वालों के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक मदद देने की शुरुआत की है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग में पंजीकृत रिवर राफ्टिंग गाइडों को प्रति गाइड 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यही नहीं, रिवर राफ्टिंग और एयरो स्पोर्ट्स फॉर्म से वर्ष 2020-21 के लिए रिन्यूअल शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये पर्यटन व्यवसाय के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है। उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक अगर रिवर राफ्टिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की बात करें तो लगभग इनकी संख्या 10,000 के करीब है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रिवर राफ्टिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वैसे प्रदेश में कुल रजिस्टर राफ्ट की संख्या 560 है। रिवर राफ्टिंग का लगभग सालाना 40 करोड़ से ज्यादा का व्यापार होता है। वहीं साहसिक पर्यटन में एयरोस्पोर्ट्स के व्यवसाय से भी सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। वर्तमान में एयरोस्पोर्ट्स की प्रदेश में कुल 18 यूनिट हैं, जिसमें 44 ग्लाइडर शामिल हैं। अब खबर जनता जनार्दन की। लॉकडाउन में एक और जहां उत्तराखंड के प्रवासी कई राज्यों में फंसे हुए हैं, वहीं अन्य राज्यों के प्रवासी भी उत्तराखंड में फंसे हुए हैं। ऐसे में अभी तक यहां से कई लोगों को बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ में भेज दिया गया है। अब प्रशासन ने साफ कर दिया कि जिसे जाना है वह अपने निजी गाड़ी या फिर ठेकेदार के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अमूमन उसमें श्रमिक शामिल हैं। प्रशासन सिर्फ उन्हें पास दे सकता है। बताया जा रहा है कि अभी स्टेडियम वाले सेंटर में करीब 35 लोग अभी भी मौजूद हैं। लॉकडाउन की शुरुआत में प्रशासन द्वारा हल्द्वानी व लालकुआ में 4 राहत सेंटर बनाए गए थे, जिसमें स्टेडियम, MB इंटर कॉलेज, MB डिग्री कॉलेज व लालकुआ बरातघर में सैकड़ों की संख्या में इन्हें रखा गया था। नोडल अधिकारी AK कोटिया ने बताया कि नेपाली मूल के लोग पहाड़ पर ठेकेदार संग काम करते थे, अगर वह काम पर जाना चाहते हैं तो जाएं, क्योंकि नेपाल पहुंचने को परमिशन नहीं है। इसके अलावा बिहारी और श्रमिकों के लिए भी कहा गया कि वह बस या अन्य वाहन का इंतजाम खुद कर सकते हैं, उनमें अपना खर्च प्रशासन नहीं करेगा। खबरें अब विपक्ष और राजनीति की। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। विगत दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान दिया था, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया में पूरी तरीके से घेर रखा है। उसमें उन्होंने ग्राम प्रधानों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना दिए जाने का सुझाव दिया, जिसमें उनको कोरोना से संबंधित संक्रमित या फिर क्वारंटाइन कराने की प्रधानों को जिम्मेदारी दी गई थी। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि माइग्रेट वर्कर्स जो अपने गांव लौट रहे हैं, उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनमें 25,000 संभावित कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और इनमें एक बड़ी संख्या कोरोना पॉजिटिव की भी हो सकती है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस बयान को संशोधित करना चाहिए। मैं पहले भी सुझाव दे रहा हूं कि आप विकासनगर श्री ऋषिकेश
देहरादून, कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी, टनकपुर जितने भी हमारे प्रवेश द्वार हैं उत्तराखंड के गाँव के लिए, और इसमें हरिद्वार भी शामिल है, आप उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर बढ़ाएं ताकि जो बाहर से आ रहे हैं उनको वहां क्वारंटाइन में रखा जाए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ग्राम प्रधान कैसे उनको क्वारंटाइन रख पाएंगे, क्योंकि गांव में ये सुविधा है ही नहीं। ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी जानकारी के लिए और उनकी जागरूकता के लिए ही सौंपनी चाहिए, जिसको वो पूरा नहीं कर सकते वो नहीं देनी चाहिए। बहरहाल 25,000 संक्रमित होने की संभावना वाले सीएम रावत के बयान पर उन्हें काफी तकलीफ हुई है। अब खबर ट्रेन में सुरक्षित सफर करने की। तकरीबन पिछले 50 दिनों से रेलवे सेवा बंद थी, आज से रेलवे की सेवा फिर से शुरू की जा रही है। बता दें अभी सिर्फ 15 ट्रेनों का ही संचालन किया जाएगा, लेकिन ट्रेन में यात्रा करने के लिए पैसेंजर्स को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी देश पर मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने बताया जो यात्री आज से स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करेंगे उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था, जिसके जरिए संक्रमित या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके नज़दीक हो उसको पता लगाया सकता हो। खबर जमातियों की निगरानी की। कोरोना संक्रमण को लेकर भविष्य में बढ़ती जाने वाली एहतियात के मद्देनज़र उत्तराखंड में अब जमात में जाने के लिए पुलिस की इजाज़त जरूरी हो सकती है। पुलिस अधिकारियों का भी मानना है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारियों की माने तो अगर केंद्र सरकार की ओर से ऐसी गाइडलाइन आती है तो उस पर अमल किया जाएगा। दरअसल निजामुद्दीन मरकज से सैकड़ों जमातियों के निकलकर गैर प्रांतों में जाने की खबर से देश भर में हड़कंप मच गया था, क्योंकि उनमें से कई जमातियों की मौत हो गई और कई जमाती कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पाए गए। पुलिस ने बताया कि आमतौर पर टूरिस्ट वीज़ा पर दूसरे देशों में आकर लोग व्यवसायिक या धार्मिक गतिविधियों में शिरकत करते हैं। विगत वर्षों में चीन के करीब आधा दर्जन नागरिक पकड़े भी जा चुके हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पर आकर कंपनियों में काम कर रहे थे। निजामुद्दीन में भी ऐसे कई जमाती थे जो टूरिस्ट वीज़ा पर आकर जमात में शामिल हो गए। पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जमात ही नहीं हर तरह की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर खुफिया तंत्र की नज़र हमेशा रहती है। कुछ मामलों में पुलिस की अनुमति आवश्यक होती है। इस संबंध में अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसको अक्षरशः पालन किया जाएगा और ठोस कदम उठाए जाएंगे। अब खबर मनोरंजन की। करीबी इंसान को मेहनत कर सिखाती है, जब वही मेहनत रंग लाती है तो मंजिल मिल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ लोक गायक शंकर कुमार के साथ, जिनका गीत इन दिनों लॉकडाउन में लौट रहे प्रवासियों पर सटीक बैठता है। लोक गायक शंकर कुमार ने छुट्टी गयो पहाड़ गीत में पहाड़ का दर्द और माँ का प्यार के सुंदर वर्णन को दिखाया है। आज ये गीत प्रवासियों पर सटीक बैठता है। दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में जो लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, लेकिन कोई पहाड़ ही नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में आज जब लोग लॉकडाउन में फंस गए हैं तो सभी पहाड़ लौटना चाहते हैं। इस गीत के माध्यम से शंकर कुमार ने पहाड़ का दर्द बयां किया है। उन्होंने अपने गीत के माध्यम से कहा कि सिर्फ दो रोटी के लिए हमें पहाड़ छोड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।